Very good evening to all of you. If you face any difficulty in yesterday homework, कोई भी तरीके का आपको दिक्कत हो, दो क्वेश्चन आपको दिए थे, उनमें आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. एक वो क्लाउड वाला क्वेश्चन था और एक वो पॉइंट तीन पॉइंट कोलिनियर दिए हैं, एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री बन रहा है. तो ए बी और बी सी में रेशियो निकालना था, ए बी इज टू बी सी. सर क्लाउड वाला क्वेश्चन, क्लाउड वाले क्वेश्चन का आंसर 50 आता है, जैसे ऑप्शन में भी ठीक था. ठीक है, तो एक बार आप सॉल्यूशन देख लीजिए उसका. ठीक है, तो अपन यहाँ पर वो क्लाउड वाला क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहे हैं. देखिए, मेन थिंग एक और केवल एक है, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में डायग्राम आपका सही सही बन गया, 50% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है वहीं पर. वेरी गुड इवनिंग पलक. तो क्या करेंगे आप इसमें, आपको क्वेश्चन दिया था, वहां पर एक ऑब्जर्वर है जो कि एक लेक है, ये हम सपोज कर लेते हैं दिस इज अवर लेक. इस लेक से 25 मीटर ऊपर ये ऑब्जर्वर है, 25 दिया था, हाँ शायद 25 मीटर ऊपर ये ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा हुआ है. और ये ऑब्जर्वर यहाँ से ये क्लाउड के लिए, उसका यहाँ पर क्लाउड है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको जो दे रखा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपको 30 डिग्री दिया था, 30 डिग्री. तो बेटा ये 25 है तो ये भी 25 होगा. और इसको मैं यदि h मान लेता हूँ, इसको मैं यदि h मान लेता हूँ, तो अब आपको बोला है कि इस क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन आ रहा है लेक पर, ठीक है, तो जितना डिस्टेंस बेटा ये यहाँ से यहाँ तक है, उतना ही डिस्टेंस पे जो रिफ्लेक्शन आएगा क्लाउड का, वो रिफ्लेक्शन क्लाउड का यहाँ पर मान लो ये रिफ्लेक्शन आया क्लाउड का. ठीक है, तो ये कितना हाइट है, 25 प्लस एच. बेटा ये जितना भी है ना, उतना ही ये नीचे भी आएगा, 25 प्लस एच. ये कितना है, 25 प्लस एच, तो ये 25 प्लस एच. तो अब आपको बोला है कि जो रिफ्लेक्शन का एंगल ऑफ डिप्रेशन है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको 60 डिग्री दिया था. ये जो एंगल दिया था, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको 60 डिग्री दिया, मतलब इनडायरेक्टली ये परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 डिग्री एंगल बन गया. कट रहा है क्या, पॉइंट कट रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं. यहां पर बना लेते हैं, ये एंगल 60 डिग्री है, यहां पर है रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड. ठीक है, वो क्लाउड बना हुआ है नीचे. तो अब आपको ये फाइंड करना था, 25 प्लस एच, लेक से क्लाउड का डिस्टेंस फाइंड आउट करना था. तो ओवरऑल हमको देखिए इतना क्वेश्चन में गिवन था, और अब उसको सॉल्व करने के लिए बेटा सबसे पहला अप्रोच, हम यहाँ पर यदि इसको d मान लेते हैं, ये डिस्टेंस हमने सपोज d ले लिया, ये d डिस्टेंस, तो सबसे पहले हम ये राइट एंगल ट्राइंगल यूज कर लेते हैं और इसमें 10-30 डिग्री लगा लेते हैं, 10-30 डिग्री. तो वी नो दैट 10-30 डिग्री होता है h अपॉन d, और हमको h फाइंड करना है. तो 10-30 का वैल्यू 1/√3 लिखेंगे, तो यहां से d का वैल्यू √3h बन जाएगा, ये हमारा d आ गया. इस तरीके से पहले आप d निकाल के रख लीजिए, d का वैल्यू आ गया √3 प्लस एच. ठीक है, अब चलते हैं इसमें आगे. और अब ये हम एंगल 60 डिग्री ले ले रहे हैं, तो ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल यूज कर रहे हैं, और अब हमने लिया है 10-60 डिग्री. तो ये है अपोजिट, अपोजिट साइड का लेंथ बेटा कितना आएगा, 25 प्लस h, मतलब कितना हो जाएगा, 50 प्लस h अपॉन d, और d का वैल्यू कितना है, √3h.
ठीक है, और अब सॉल्व करीजिए, 1030 का वैल्यू बेटा रूट थ्री होता है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री एच कितना हो जाएगा 3h, और इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो 2h बराबर आ गया 50, और इसलिए h बराबर आ जाएगा 25, h हमारा 25 आ गया, h आया बेटा 25, ये 25 आया, और इसलिए अब आपका क्लाउड का लेक से जो डिस्टेंस आ जाएगा, क्लाउड का लेक से जो डिस्टेंस है वो 25 प्लस 25 मतलब कितना हो जाएगा 50, तो जो रिक्वायर्ड आंसर है वो रिक्वायर्ड आंसर आएगा 50 meters, क्योंकि क्लाउड का लेक से डिस्टेंस पूछा था आपने, जो अभी निकाला है 25, ये 25 तो ऑब्जर्वर से डिस्टेंस आया है क्लाउड का, और ऑब्जर्वर ऑलरेडी 25 meters ऊपर है लेक से, इसलिए टोटल जो लेंथ हो जाएगी ये 50 हो जाएगी। सो दिस इज द क्वेश्चन, अभी इसमें कहीं कैलकुलेशन आप फंसे हो, कोई डाउट हो अभी आपको तो पूछ लीजिए बेटा, कहीं किसी बच्चे को नहीं समझा हो तो पूछ लो अभी, मैं डायग्राम एक बार थोड़ा सा सही बना दे रहा हूँ, सही बना था लेकिन वो थोड़ा सा क्लाउड वगैरह, चलिए तो ये है, कोई डाउट हो अभी भी तो पूछ लीजिए। दूसरे क्वेश्चन में कोई डाउट है सर, एक्सप्लेन वंस मोर, कहां से नहीं समझा भुवन भावेश, हाँ 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 भावेश, कौन सा स्टेप नहीं समझा बेटा, बोल नहीं रहा है भावेश, बोलो भाई भावेश, ओ भावेश उठो भाई भावेश, तो भावेश तो डायग्राम नहीं समझा, भावेश आप तुम्हारा बोलती क्यों बंद है, माइक कहाँ गया तुम्हारा, हेडफोन, भावेश का बोलती बंद है आज, वो बोल रहा डायग्राम नहीं समझा। तो देखो बेटा ये है, ये जो डैश डैश करके बनाया है ना, ये लेक है, और जो ऑब्जर्वर है वो लेक से 25 meters ऊपर खड़ा है, ये आपको क्वेश्चन में दिया है, और यहां से वो क्लाउड ऑब्जर्व कर रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्लाउड का 30 degrees, ठीक है, तो हमने ये एच, ये हाइट को एच मान लिया, तो अब ये एच प्लस 25 हो गया, तो यहां से यहां तक की लेंथ हो गई एच प्लस 25। अब आपको बोला है क्लाउड का रिफ्लेक्शन देखना है, ये लेक के रिस्पेक्ट में, तो लेक के रिस्पेक्ट में क्लाउड का रिस्पेक्ट जो रिफ्लेक्शन है वो इतनी डिस्टेंस पर मिलेगा, कितनी डिस्टेंस पर, 25 प्लस एच डिस्टेंस पर ही नीचे मिलेगा, तो ये जितनी लेंथ है 25 प्लस एच वो लेंथ भी यही होगी, तो इसलिए जो रिफ्लेक्शन बना है वो आप ये लाइन के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन निकालोगे, तो ये 25 प्लस एच है तो ये भी 25 प्लस एच होगा, बट डायग्राम में इतनी सी बात थी, भाभी समझ गया हो तो हाँ ना लिखे वहां पर, और दूसरा क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को तो जल्दी से पूछे, नहीं तो मैं ओके भावेश बोल रहे हैं समझ गया उनको, सेकंड क्वेश्चन सभी का हो जाएगा, किसी को डाउट तो नहीं है, आना भी नहीं बोल रहा है, मतलब सभी का हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई, ओके प्रिया बोल रही है उनको कोई डाउट नहीं है, हो जाएगा उन पर, दिव्यानी तुम्हारा हो गया क्वेश्चन बेटा, दिव्यानी वरुड़कर, हाँ सर, दिव्यानी बोल रहे हैं उनका भी हो गया, चलिए तो फिर आप नहीं पूछ रहे, अरे ओझा जी तुम्हारा हो गया सितेश, यस सर, चलिए सितेश बोल रहे हैं उनका भी हो गया है,
तो अपन चलते हैं आगे। क्लियर है सॉल्व? क्या लिखा है पलक? समझा नहीं। क्लियर है सॉल्व सम? सर वो सम क्लियर है। अच्छा क्लियर है मतलब ठीक है। हाँ ओके, मतलब कोई टाइप में वो डाउट नहीं है। चलो अच्छी बात, चलते हैं तो अपन आगे चलते हैं। तो जैसा बेटा कल आप लोग डिस्कस कर रहे थे, ये सारे क्वेश्चन जेई में आए हुए क्वेश्चन है, कोई मन से नहीं बनाए गए हैं क्वेश्चन। ये जेई में 2019 में जो क्वेश्चन आए थे वो आपको कल मैंने कराए थे और ये बच गए थे तो वो होमवर्क में दे दिए थे। आज भी मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ वो 2020 में आए हैं और जो बच जाएंगे वो आपको मैं असाइनमेंट में होमवर्क के लिए दे दूंगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं भेज रहा हूँ अभी आपको, आप ट्राई करना उसको। सो कहाँ गया आपका ग्रुप? तो ये जो मैं तीन क्वेश्चन आपको भेज रहा हूँ बेटा, ये 2020 जेई में जो सैब अटेम्प्ट था 2020 में, जो फरवरी अप अटेम्प्ट था जेई का, उनके ये तीन क्वेश्चन हैं। तो ये तीनों एक साथ मैं भेज देता हूँ आपको आपके ग्रुप में। और फाउंडेशन आपके ग्रुप में देखिए तीन क्वेश्चन आपको आए होंगे बेटा, ये 2020 जेई मेंस के क्वेश्चंस हैं तीन। इन तीनों क्वेश्चन को नोट करने के लिए मैं 5 मिनट और सॉल्व करने के लिए 10 मिनट, टोटल 15 मिनट्स आपको ऐसे दे रहा हूँ। 15 मिनट्स में आपको ये तीन सम सॉल्व करने हैं, जैसे जैसे आंसर आता जाए वैसे वैसे ऑप्शन आप जो है वो ग्रुप में मेरे को चैट बॉक्स में डालना है। फर्स्ट आ जाएगा तो फर्स्ट का ऑप्शंस वहां पर दे रखे हैं आपको। जैसे भी आंसर आता है, पहले का आया तो पहले का डाल देना, दूसरा आ गया तो फिर दूसरे का डाल देना। और ये सब केवल इसलिए कि हमको कोई थ्योरी अलग से पढ़नी नहीं है बेटा, जो 10th तक थ्योरी थी हमको, हमने उतनी ही थ्योरी पर ये क्वेश्चन बना लिया और उतनी ही थ्योरी पर हम ये क्वेश्चन भी बना लेंगे जो आपको दे रखे हैं अभी मैंने ग्रुप में। तो शुरू हो जाइए एकदम जोर से। जैसा भी आता जाए, फर्स्ट आ जाएगा तो फर्स्ट का आंसर डालिए, दूसरा आ जाए तो दूसरा डालिए, जैसे जैसे आंसर आते जाए वैसे वैसे आप आंसर अपने पुटअप करते जाए, रुकना नहीं, थकना नहीं, करते जाना बस। और कहीं इधर उधर जाने का नहीं, इधर उधर जाने का मतलब इधर उधर हाथ पैर मार के सॉल्व नहीं करना, अपनी मेहनत से सॉल्व करो। तो और यदि आप अपनी मेहनत से आंसर लाते हो तो फिर आपका आंसर मतलब सिलेक्शन एकदम पक्का है, गारंटी। और ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अभी आया है श्रेया का, श्रेया शिवपेट करेक्ट है, वेरी गुड बेटा श्रेया।
फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर श्रेया ने दिया, ये करेक्ट है, वेरी गुड। ऐसे ही बाकी बच्चों से एक्सपेक्टेड है कि जल्द जल्द आंसर करेंगे। किशोर, किशोर बाबने करेक्ट है, वेरी गुड बेटा किशोर। ग्लोरी, तनोजे ये भी करेक्ट है, वेरी गुड। दिव्यानी वरूड़कर ये भी करेक्ट है, वेरी गुड बेटा। दो सीए रोड ब्रांच से और दो मानकापुर ब्रांच से, ऐसे चार आंसर मेरे को मिले हैं, सारे आंसर करेक्ट है, वेरी गुड। ऐसे ही यदि आप आंसर करोगे तो हमको पढ़ाने बहुत मजा। कलश, इनका भी आंसर करेक्ट है, वेरी गुड बेटा। अभी एकदम ही सन्नाटा छा गया भाई, क्या बात है। चलिए तो पहले क्वेश्चन के लिए टाइम लिमिट आपका होता है खत्म। मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। सुजल सर करेक्ट है बेटा, सुजल का भी करेक्ट है, वेरी गुड सुजल। और हर्षिका विगाने, इनका भी करेक्ट है, वेरी गुड हर्षिका। तो चलो चले मितवा, क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे अपन पहले क्वेश्चन का। प्लीज स्टॉप आंसरिंग कपेश मेश्राम, यू हैव टू चेक बेटा योर आंसर, ये आंसर गलत हो गया बेटा कपेश। तो अपन सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन का, आंसर निकालते हैं अपन। जब तक आप लोग अब सेकेंड और थर्ड ट्राई करिए, प्लीज फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर अब मत पोस्ट करिएगा, क्योंकि करेक्ट आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का 25√3, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आता है, ठीक है। और अब आप देख लो कि इतना टाइम आपको हो गया, तो क्या वजह है जिनके कारण आप आंसर नहीं निकाल पाए, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दिया है 150 मीटर वाइड रोड है, जिसके दोनों तरफ दो पोल हैं, जिसमें एक पोल का जो हाइट है वो दूसरे पोल के हाइट का 3 times है, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। और इस रोड के एकदम सेंटर से, मिड पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, दोनों पोल के ये लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन हैं ये 60° है और 30°। ये 150 मीटर वाइड आपको दे रखा था, तो ये 75 मीटर हो जाएगा और ये भी 75 मीटर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन, है ना। एक पोल का हाइट दूसरे पोल का 3 times है, मतलब ये 3h हो जाएगा यदि ये h लेते हो, और एकदम सेंटर से एंगल ऑफ एलिवेशन 60° और 30° दे रखे हैं। तो अब आपको बताना है जो छोटा वाला पोल है उसकी हाइट कितनी होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो अब देखो बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर अपन 10-30 लगाएंगे, तो 10-30° हो जाएगा बेटा, 10-30° हो जाएगा h/75। और सर 10-30 तो 1/√3 होता है, ठीक है। सो ये 30-60 दिए थे क्या, कॉम्प्लीमेंट्री दिए थे, 30-60 नहीं दिया है आपको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिए थे ये,
तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है मतलब एक यदि थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, एक को थीटा लोगे तो दूसरा ऐसा दिया था, कॉम्प्लीमेंट्री दिए थे सॉरी है, तो वो मेरे को यहाँ देख के समझ में, तो यहाँ पर बेटा tan 90 माइनस थीटा बनेगा, और tan 90 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा, तो यहाँ से cot थीटा का वैल्यू h अपॉन 75, और फिर यहाँ पर tan थीटा लगाएंगे तो tan थीटा 3h अपॉन 75 है, ठीक है। तो अब इसका कुछ नहीं कर सकते, अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू इन दोनों का हम कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो tan थीटा cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन वन हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3h स्क्वायर अपॉन 75 इंटू 75, इसको कैलकुलेट कर लीजिए 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 75, ये 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और अब आप h कैलकुलेट करिएगा बेटा 25√3 आता है, 25√3। तो द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, दिस इज योर फोर्थ ऑप्शन, ये छोटे पोल का हाइट आ गया है, बड़े पोल का हाइट इसका कितना हो जाएगा 75√3 आ जाएगा, और यहाँ पर एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री दिए थे, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आएगा। तो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको अभी पोस्ट किया मैंने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका, और अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर सकते हैं, जिनका दूसरा आ गया है वो पोस्ट कर सकते हैं आंसर, कितना आंसर आएगा बेटा। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल वही है जैसे कल आपने क्वेश्चन किया था, कल आपने क्वेश्चन किया था एरोप्लेन का, यहाँ पर एरोप्लेन की जगह पर आपको जेट दे रखा है, और कल आपको एरोप्लेन का हाइट हॉरिजॉन्टल प्लेन से √3 किलोमीटर दे रखा था कल के क्वेश्चन में, और आज आपको स्पीड दे रखा है, कल अपन को स्पीड फाइंड करनी थी किलोमीटर पर आर में, आज स्पीड दे रखी है और हाइट फाइंड करना है, जस्ट वही क्वेश्चन है बस पलट के पूछा, देखो बस वही घुमाते रहते हैं जेई में, एक आज उस टाइप का क्वेश्चन आपने कर लिया तो बस उसी टाइप के क्वेश्चन में बार बार थोड़ा बहुत फेर फेर करके पूछते रहेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए बेटा, अब अपन सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन, अभी तक किसी बच्चे का आंसर नहीं आया है वो सेकेंड क्वेश्चन का, ये वाकई चिंतनीय विषय हो गया, ठीक है मैं इसको रब कर रहा हूँ और देखते हैं तब तक किसी बच्चे का आंसर आता है क्या, ये बड़ी सर, अच्छी बात है। सर बोलो बोलो एक बार वो एक्सप्लेन करो ना थोड़ा सा, कौन सा वाला, ये वाली इक्वेशन जो अभी बताया आपने वाला, ये देखो ये tan 90 माइनस थीटा करेंगे तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट h बाय 75, और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, इसको अपन लिख सकते हैं cot थीटा, तो एक इक्वेशन ये आ गया, ये इक्वेशन वन हो गया, और अब इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में tan थीटा लेंगे तो इट इज 3h अपॉन 75, ये अपना इक्वेशन नंबर टू हो गया। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा को cot थीटा से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगा तो tan थीटा cot थीटा का प्रोडक्ट बना जाएगा, और राइट हैंड साइड से प्रोडक्ट होगा तो h इंटू 3h, 3h स्क्वायर 75 इंटू 75, 75 दो बार ले देंगे, ये 75 दो बार यहाँ आ गया वैसा दिखेगा, 3 से कैंसिल हो गया तो 25 आ गया, और अब स्क्वायर रूट ले लोगे तो h का वैल्यू 25√3 दिया जाए, ठीक है बेटा अभी क्लियर है, समझ जाएगा अभी, यस सर समझ गया, चलिए ठीक। तो ये थे यश, और अब अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, मैं पहले दोनों क्वेश्चन रब कर देता हूँ, सेकंड का आंसर अभी तक नहीं आया, हाँ और जो मैं बोल रहा था ये बहुत अच्छी बात है कि आप कहीं देख नहीं रहे हो खुद से ट्राई कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, वरना किसी ना किसी बच्चे का तो आंसर अभी तक आ ही जाता यदि आप देख के बना रहे होते, तो ये बड़ी खुशी की बात है।
चलिए आया अभी क्या, ओके आदित्य बोल रहे हैं, आदित्य आंसर आपका करेक्ट है, वेरी गुड। आदित्य भेंगरे ये इंदौरा ब्रांच से हैं और इन्होंने सेकंड क्वेश्चन का आंसर किया और इनका आंसर बिल्कुल सही आया, वेरी गुड आदित्य। देखिए मैं ट्राई करता हूँ क्वेश्चन, भावेश भावेश पाटिल इनका भी आंसर करेक्ट है और हर्षिका आप चेक करो बेटा आपका आंसर गलत हो गया, भावेश करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ जेट प्लेन 60 डिग्री दे रखा है 0.88, तो ये हॉरिजेंटल हो गया, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन आपको जो दिया है जेट प्लेन का वो 60 डिग्री दे रखा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया है 0.88। अब आपको बोला है आफ्टर द फ्लाइट ऑफ 20 सेकेंड द स्पीड ऑफ 432 किलोमीटर पर आर, ये 432 किलोमीटर पर आर की स्पीड से 20 सेकंड तक इस तरीके से उड़ रहा है कांस्टेंट स्पीड से 432 किलोमीटर पर आर, 432 किलोमीटर पर आर की स्पीड से 20 सेकंड तक ये फ्लाई किया और अब यहाँ पर पहुंच गया, और अब यहाँ पर पहुंचने के बाद इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री हो गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री। ओहो चलिए ठीक मान लिया, तो ये पॉइंट पर पहुंच गया, एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री। सो इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट देन हाइट कितना होगा, तो हर्षिका बिगाने नाउ यू आर करेक्ट, प्रिया शिवपेट बेटा चेक करो, ये हो गया क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेन, श्रेया थर्ड क्वेश्चन का आंसर बेटा चेक करो, तो अपन सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन, कल के क्वेश्चन में आपको क्या हाइट दे रखा था और स्पीड फाइंड करना था, आज आपको स्पीड दे रखी है हाइट फाइंड करना, तो हाइट को अपन बेटा एच ले लेते हैं, एच मान लेते हैं, ये जितना होगा उतना ही हाइट ये भी होगा एच। अब क्या करना है, अब हम सबसे पहले तो ये डी, इसको डी नाम दे देते हैं, तो डी निकाल लेते हैं एच और डी, है ना, एंगल कितना हो गया बेटा ये 30 डिग्री हो गया, इसको मेंशन कर दो ये 30 डिग्री हो गया, है ना। चलिए तो ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है इसको हमने यदि इतनी लेंथ को यदि मैं डी ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ डी, तो आप जानते हो 1060 H अपॉन डी करके अपन निकाल लेंगे, तो 1060 बेटा कितना होता है, 1060 सर होता है H अपॉन डी होता है सर ये, तो यहाँ से डी का वैल्यू अपन निकाल लेते हैं, तो डी का वैल्यू सर H बाई रूट 3 आ जाएगा, डी आ गया ये सर, इसको ऐसे ही रखना आप, है ना, कहीं आगे डी बनेगा तो अपन डी एलिमिनेट मार देंगे इससे, तो हमने एक रिलेशन निकाल लिया। अब हमको ये पता कर लेना है कि भैया ये 20 सेकेंड तक इतनी स्पीड से फ्लाई करा तो कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब मैं ये डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, ये डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी है, तो आप ये देखो कि एक आर में वो 432 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रहा है, तो वन आर में मतलब 3600 सेकेंड्स में 3600 सेकेंड्स में उसने कितना फ्लाई किया 432 किलोमीटर, तो आप ये बताओ 20 सेकेंड में कितना फ्लाई किया होगा, तो 20 सेकेंड में निकालने के लिए अपन क्या करेंगे 3600 से डिवाइड कर देंगे तो 1 सेकेंड में आ जाएगा, 1 सेकेंड में इसने कितना फ्लाई किया 132/3600 कितना किलोमीटर, तो अब आप बताओ कि 20 सेकेंड में कितना किया होगा, तो 20 सेकेंड में ये किया होगा सर 432/3600
इंटू बीस, और इसको जब सर कैलकुलेट आप करोगे तो कितना आएगा ये, कैलकुलेट करो बताओ मेरे को। अब मैं ये नहीं कैलकुलेट कर रहा, करूं मैं ही करूं, ये और दो से काटोगे तो 180 हो जाएगा, ठीक है 12 से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है अभी आंसर मत करो मैं नहीं देख पाऊंगा, पहले मैं सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। तो 20 सेकंड में कितना फ्लाई किया अपन ये निकाल रहे हैं, तो 20 सेकंड में ये 432 बटा 180 किलोमीटर, इसको अपन फर्दर सिंपलीफाई करेंगे तो देखो पहले अपन सीधा कितने से कैंसिल कर दें, 6 से कैंसिल कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 6 से कैंसिल करोगे तो ये आएगा, और फिर 6 से कैलकुलेट 6 से कैंसिल करोगे 12 बटा 5 आता है, इट इज 12 बाय 5 किलोमीटर। ये 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 12 बाय 5 किलोमीटर, या आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 हो जाएगा, मतलब 2400 मीटर हो जाएगा, 2400 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस कितनी आ गई बेटा आपकी, ये 2400 मीटर आ गई। तो स्पीड से अपन को ये पता चल गया, अब तो डन है अपना क्वेश्चन, अब तो कुछ बचा ही नहीं, जितनी जान थी क्वेश्चन की सब हमने निकाल दी, और अब क्या करेंगे, अब 1030 लगाएंगे सर, 1030 लगा दो, तो 1030 कितना होता है सर, एच अपॉन डी, डी का वैल्यू कितना बेटा, एच बाई रूट थ्री प्लस 2400 1030 वन बाई रूट थ्री होता है, ठीक है। तो इसको आप 1/√3 लिखिए और 1/√3 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो इतना बनेगा, हम देख लो कहीं कैलकुलेशन में आपको डाउट आ रहा होगा तो पूछ लेना, ये एच रूट थ्री बनेगा, इसको ट्रांसफर कर दीजिएगा तो 2400 इज इक्वल टू रूट थ्री माइनस 1/√3, ना इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 1200√3 आ जाएगा, ठीक है मैं लिख देता हूँ, उसके बाद सीधा इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये सॉल्व होने के बाद 2/√3 एच आता है और 2 से ये 1200 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से एच का वैल्यू आपको दे देगा 1200√3। तो दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, देख लीजिए। तो आदित्य धेंगरे इन्होंने सही आंसर किया था, भावेश पाटिल इन्होंने सही आंसर किया था, हर्षिता का रॉन्ग हो गया, श्रेया का भी रॉन्ग हो गया था सेकंड क्वेश्चन का, हर्षिका ने नेक्स्ट अटेम्प्ट में राइट आंसर दिया था, श्रेया ने नेक्स्ट अटेम्प्ट में थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर दिया था, किशोर थर्ड क्वेश्चन का आंसर चेक करें, और दिव्यानी वरूरकर सेकंड क्वेश्चन का आंसर बेटा ये है चेक कर लो आप, श्रेया शिवपेट थर्ड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है, किशोर थर्ड क्वेश्चन का आंसर बेटा रॉन्ग है आपका, चेक करिए। तो ये हो गया बेटा सेकंड क्वेश्चन, कोई कहीं पर डाउट है किसी बच्चे को कैलकुलेशन में तो पूछ लीजिए। तो मेन था ये कि स्पीड से मेरे को ये डिस्टेंस आ गई, और एक बार ही हमको ये डिस्टेंस मिला तो हम हाइट और ये आसानी से निकाल सकते हैं कि प्लेन कितनी हाइट पर फ्लाई कर रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, थर्ड और लास्ट क्वेश्चन जो आपको दिया था बेटा वो अपन देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन का आंसर कलश, थर्ड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है बेटा कलश, और अब मैं सॉल्व करता हूं थर्ड, ये सेकंड था, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको दिया है मेन मैन इज ऑब्जर्विंग फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ए बोट स्पीडिंग टुवर्ड द टावर फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट कैपिटल ए विद द यूनिफॉर्म स्पीड 30 डिग्री दिया है, ओके चलिए। तो ये किसी हाइट पर, कलर चेंज कर देता हूँ सर, बोलो बेटा सर, 1 मिनट प्लीज, हाँ आप सॉल्व करो बेटा, मैं डायग्राम बिना बोले बना रहा हूँ, कलर्स का करेक्ट है, आप बोर्ड की तरफ नहीं देख रहा, मैं बोल नहीं रहा, आप बोर्ड की तरफ मत देखो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा 1 मिनट में तो बताइए, नहीं तो फिर मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। जब तक बाकी बच्चों के लिए मैं डायग्राम बना देता हूँ,
आई होप डायग्राम आपका ये बनेंगे। तो ग्लोरी कलेक्ट, ग्लोरी का भी करेक्ट है, वेरी गुड ग्लोरी। एक मिनट हो गया बेटा, अब आपका ना बता दिया जाए क्वेश्चन। सर प्लीज एक और मिनट, एक और मिनट। चलिए एक मिनट पूछा। किशोर भावने इनका आंसर करेक्ट है, वेरी गुड किशोर। ये सारे 2020 का पेपर है भाई। ये करण भगत नहीं बेटा, चेक करो करण, ये तो ऑप्शन में भी नहीं दिया करण मैंने। करण चार ऑप्शन है, उनमें से आंसर बताना है, और ये चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं। भावेश पाटिल नहीं बेटा, रॉन्ग है भावेश पाटिल, आपका आंसर बेटा गलत हो गया, चेक करो। चले तो अब बता दिया जाए, अब चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है ऑब्जर्वर ऊपर बैठा हुआ है और वो ऑब्जर्व कर रहा है। ये दो बोट्स आपको दे रखी हैं, सॉरी दो बोट नहीं, एक ही बोट है। ये एक बोट है जो 30 किलोमीटर की स्पीड से यहाँ पर आ रही है, और 20 सेकंड बाद वो देखता है कि पॉइंट बी पर पहुंचने के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री हो गया। तो आपको ये पूछा है ये बोट को ये बॉटम तक पहुंचने के लिए और कितना समय लगेगा, इन सेकंड टाइम आपको सेकंड्स में बताना है। यस बोबड़े बेटा चेक करो, रॉन्ग आंसर है। और कितना टाइम लगेगा तो देखिए बड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा। अभी सबसे पहली बात तो आपको मैंने बोला है जैसे ही 45 आए, यदि ये हाइट एच है तो बेटा ये भी एच हो जाएगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। हर बारी 45 डिग्री के लिए ये दोनों सेम है, ठीक है। अब आप यदि 10-30 डिग्री लगाओगे बेटा यहाँ पर, तो 10-30 डिग्री कितना हो जाएगा, 10-30 डिग्री हो जाएगा सर एच अपॉन, ये डिस्टेंस हमको पता नहीं है बेटा, हम डिस्टेंस हम 20 सेकंड पता है आपको, तो हम ये पता कर लेते हैं 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमने मान लिया x डिस्टेंस कवर करेगा, और ये x डिस्टेंस कितने सेकंड में कवर कर रहा है, ये 20 सेकंड्स में, ठीक है। इसको हमने h माना है, h अपॉन x, h अपॉन x। और 10-30 का वैल्यू कितना होता है बेटा, तो h अपॉन x प्लस, सॉरी एच अपॉन एच प्लस एक्स होगा, एच अपॉन एच प्लस एक्स होगा, ठीक है। 10-30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है बेटा, तो ये एच अपॉन एच प्लस एक्स हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो एच प्लस एक्स बराबर √3h आ जाएगा। अब इस एच को ट्रांसफर कर देना तो एक्स बराबर बेटा आ गया √3 − 1h। अब आप देखो भाई इसको x डिस्टेंस कवर करने में कितना वक्त लगा था, x डिस्टेंस मतलब इतनी डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए इसको कितना समय लगा था, 20 सेकंड। तो टू कवर √3 − 1h डिस्टेंस, मतलब ये x है, ये x है ना, तो इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए टू कवर दिस डिस्टेंस टाइम जो लग रहा है वो कितना सेकंड लग रहा है, 20 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो आप बताइए कि h डिस्टेंस कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो सर इसको टाइम लगेगा 20/√3 − 1, और सर 20/√3 − 1 को हम यदि रैशनलाइज करें √3 + 1 से ऊपर नीचे सर मल्टीप्लाई कर दें, तो अगले स्टेप में इसके बाद का स्टेप मैं यहां पर कर दे रहा हूं, तब आप बोलोगे कि सर इसके लिए समय लग गया 20 × √3 + 1, और नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट 2 आ जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड करोगे तो इट इज 10 × √3 + 1, दिस इज अवर आंसर। ये है आंसर, इस तरीके से अप्रोच करेंगे क्वेश्चन। एक सर मेरा भी तो वही चाहता इसका, सर मेरा भी तो वही चाहता, आपने गलत बता दिया। तुमने 1 लिखा है भावेश, ये फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। अरे कहाँ गया, इतना जोर के तुम बोला है हमारे कान में।
तुमने वन लिखा है भाविश, ये रूट थ्री प्लस वन है। अरे सर फर्स्ट ऑप्शन है सर। हाँ ये फोर्थ ऑप्शन है लेकिन ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। अरे सर फर्स्ट ऑप्शन है क्या? फर्स्ट ऑप्शन है सर वो थर्ड का। हाँ फोर्थ आ रहा है ना, फर्स्ट नहीं आ रहा, वही तो बोल रहा हूँ, तुमने फर्स्ट लिखा है, ये फोर्थ ऑप्शन दिया है बेटा। भावेश ज्यादा पढ़ लिए क्या? सॉरी सर अभी नींद खुला नहीं तुम्हारा अच्छे से। चलो खैर कोई ना, होता है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा सभी लोग इसी का, कोई डाउट होगा अभी तो पूछ लीजिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन डालें, ये गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। करिए बेटा इस काम पर, हाँ यदि आप टेन रूट थ्री प्लस वन निकालते हो तो आंसर ऑप्शन बी सही। ऐसा नहीं है कि आपने ये निकाल दिया और टिक करना चाहिए था फोर्थ और आप टिक करके आगे फर्स्ट, तब तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफी हो गई, तुक्का लगा के आते अच्छा इससे अच्छा तो अपन पांच मिनट मेहनत करने के बाद पूरा सही आंसर निकाले और ऑप्शन गलत मार्क कर दिए तो फिर तो भैया ये तो बहुत ही गड़बड़ वाली स्थिति हो गई। इसलिए ऑप्शन बराबर जरा देख के टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैंने दे दिया है, आप बताइए। ये अभी जो तीन क्वेश्चन आपने करे ये 2020 के फैब अटेम्प्ट के क्वेश्चन थे, अब जो क्वेश्चन आपको दिया है ये 2020 का मार्च अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ट्राई करिए, मैं इनको रब कर दे रहा हूँ, है ना, हटा देता हूँ यहाँ से। सर आधा क्वेश्चन कट गया। हाँ कट गया बेटा, नहीं वो लास्ट लास्ट की लाइनें देखो ज्यादा कुछ नहीं, मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। अ पोल स्टैंड्स वर्टिकली इनसाइड अ ट्रायंगुलर पार्क एबीसी, लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम, वो फ्रॉम कटाए वर्ड, पहली लाइन से फ्रॉम वर्ड कराए, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द पार्क दी फाइव बाई थ्री, इफ द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज टू देन दी हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू, ठीक है, या हाइट ऑफ द पोल लिखा होगा वहां क्योंकि पोल खड़ा किया था ना, तो हाइट ऑफ द पोल कितना होगा, तो फ्रॉम कटा है और पोल कटा है, ठीक है कर लीजिए।
किशोर ये आंसर अभी इस वाले क्वेश्चन का किया है कि आदित्य और किशोर आप दोनों ने? हाँ सर। ओके ट्रायंगुलर पार्क इसके ऑप्शन भी नहीं दिए ना अभी है पर करेक्ट है। वेरी गुड बेटा कौन करेक्ट है आदित्य बेटा आप चेक करो। किशोर करेक्ट है आदित्य भेंगरे करेक्ट हैं और भावेश पाटिल करेक्ट है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। आदित्य भेंगरे जो दूसरा बाल किया वो करेक्ट है। वेरी गुड तो तीन बच्चों ने आंसर किया तीनों करेक्ट हैं इस क्वेश्चन का। वेरी गुड पहले टाइम में मिसटाइप हो गया था सर आंसर। ओके ओके बेटा तो मतलब आप यदि इस क्वेश्चन को इमेजिन कर हर्षिका करेक्ट है तन्मय जवान करेक्ट है। वेरी गुड चलिए देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आप बना ले जा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब बड़ी खुशी होती है ऐसे ही करें। आप इमेजिन करो या फिर इसको प्रैक्टिकली या बना के आप देख लो डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली पूछा क्या है। वैसे तो पढ़ने में थोड़ा सा ऐसा ऊटपटांग दिखता है लेकिन आप एक बार उसको ग्लोरी बेटा करेक्ट है। वेरी गुड तो देखिए बच्चों के आंसर आते जा रहे हैं एकदम सही सही जवाब पकड़ रहे हैं बच्चे और आई होप ये सभी आप बच्चे अपनी मेहनत से क्वेश्चन बना रहे होंगे और यकीन मानिए यदि बन रहे हैं क्वेश्चन तो फ्यूचर बहुत अच्छा है अपना। कुजल इनका भी आंसर करेक्ट है। वेरी गुड कुजल चलिए तो मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन में आपको दिया है एक पोल है जो कि वर्टिकली खड़ा किया गया है एक ट्रायंगुलर पार्क के बीचों बीच। ठीक है ट्रायंगुलर पार्क हमारा एबीसी है ये एबीसी ट्रायंगुलर पार्क है और इसमें एक बीच में पोल खड़ा किया है और वो पोल का टॉप ऑफ पोल का हर कॉर्नर से एंगल पाई बाई थ्री है और रेडियस जो है सर्कम सर्कल का वो ट्राइंगल का आपको दे रखा है दो तो आपको हाइट ऑफ पोल बतानी है कितनी होगी। ये क्वेश्चन था ठीक है सर्कम सर्कल का रेडियस दो दिया है और पोल का जो टॉप है हर कॉर्नर से वो पोल के टॉप का एंगल पाई बाई थ्री दिया है 60 डिग्री। तपेश मेश्राम करेक्ट है तो बेटा अब आप देखो ऐसा समझो क्योंकि अब मेरे को बीच में एक वो पोल खड़ा करना है तो पोल हम वैसा तो बना नहीं पाए ऐसा दिखाएंगे तो आपको 2D में 3D डायग्राम बनाना है अपन को। तो ये ट्राइंगुलर पार्क में मान लो ये पोल मैंने बीच में खड़ा किया है अब आपको बोला है कि हर हर कॉर्नर से ये जो टॉप का एंगल है ये पाई बाई थ्री है मतलब ये वाला जो एंगल बनेगा ये पाई बाई थ्री बनेगा। ठीक है मतलब आपका पोल यहाँ पर खड़ा हुआ है ठीक है यहाँ पर आप पोल इमेजिन करिएगा ऐसा है ये पोल यहाँ पर है और रेडियस आपको बेटा दो दे रखी है रेडियस आपको दो दे रखी है और ये जो एंगल बनेगा ना पोल के साथ ये पोल के साथ जो एंगल बना हुआ है तो मैं मान लेता हूँ ये पोल आपका ऐसा है यदि आप 3D डायग्राम को 2D में जाके देखोगे तो पोल आपको यहाँ पर कहीं दिखाई देगा तो दिस इज अवर पोल। ठीक है अब पोल के टॉप का जो एंगल बेटा आपको दे रखा है कि हर जो वो बना रहा है वो टॉप यहाँ पर एंगल कितना बना रहा है ये एंगल आपको दे रखा है पाई बाई थ्री। ठीक है तो और ये एंगल कितना होगा ये एंगल बेटा 90 डिग्री होगा क्योंकि पोल यहाँ पर इस तरीके से वर्टिकली खड़ा हुआ है तो ये एंगल यहाँ पर 90 डिग्री ऐसी बात है तो आप लगा दीजिए अब तो कुछ बचा ही नहीं है। यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ पोल
आपको ये एच हाइट निकालनी है पोल की, ठीक है। तो अभी भी कुछ बचा कि हो जाएगा अब आपसे, सीधा टेन लगाइए इसका, टेन पाई बाई थ्री अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, खत्म हो गया क्वेश्चन, है ना। तो टेन पाई बाई थ्री बेटा कितना हो जाएगा, टेन पाई बाई थ्री अपोजिट अपॉन टू, और टेन सिक्सटी बेटा कितना होता है, टेन सिक्सटी होता है रूट थ्री एच बाई टू, तो यहां से एच का वैल्यू टू रूट थ्री, खत्म। ये हाइट ऑफ पोल आ गया, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। दिव्यानी बेटा टू रूट थ्री अपॉन थ्री नहीं आ रहा है, टू रूट थ्री अकेला आएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है इसका। तो देख लें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये पोल जो है वो एक्चुअली यहां नहीं, पोल यहां पर खड़ा हुआ है, तो ये जो बेस है इस पे ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। सो राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से आप बनाएंगे। तो वो जो सर्कम रेडियस देने का रीजन ही ये था कि वर्टिक्स से डिस्टेंस हमको दे रखा है और हाइट ऑफ पोल अब बड़ा इजीली आ जाता है। तो ये क्वेश्चन था, यदि आप सही से इमेजिन कर लेते थे, हाइट डिस्टेंस का क्वेश्चन 2020 मार्च अटेम्प्ट। देखिए कहीं क्वेश्चन ऐसे नहीं, कहीं देख रहे हैं आप कि बहुत ऐसे क्वेश्चन आ जा रहे हैं जो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, जो अपन सोच भी नहीं सकते, कर सकते हैं थोड़ा बहुत उठा पटक करके, ठीक है। तो आप ट्राई करिएगा, ऐसे ही कुछ दो तीन क्वेश्चन का सेट मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ कल के लिए, आप उनको ट्राई करना, ठीक है। नहीं आते तो कल अपन और डिस्कशन करेंगे इस पर। तो कल तक के लिए गुड नाइट, शब्बा कह शुभरात्रि ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन बेटा, बाय सर, बाय बेटा, बाय तन्मय, बाय बाय तपेश, नाइट नाइट, ओके बाय बेटा, नाइट नाइट सर, ओके भावेश, बाय बेटा।